बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। हाल फिलहाल ही अररिया में देखा गया था, जहां होमगार्ड के जवान ने एक कृषि पदाधिकारी को सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की बात कही थी तो उसको उठा बैठक कराने का काम किया गया। जिस किसी कृषि पदाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए था, आज उसको प्रमोशन करके आगे भेज देने का काम किया गया है। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, ये किस तरह का नियम है? प्रमोशन तो उस होमगार्ड के जवान का होना चाहिए था जिससे कि उसका मनोबल हाई होता। कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोई हर जवान को, चाहे होमगार्ड का ही जवान क्यों ना हो, उसको आइडेंटिटी कार्ड मांगने का जैसा अधिकार है इस लॉकडाउन के पीरियड में। मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, ब्यूरोक्रेसी को हावी मत होने दीजिए, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी और उस जवान का जिसने जैसे उन्हें आइडेंटिटी कार्ड मांगा था उसको प्रमोशन देने का काम कीजिए, नहीं तो बहुत गलत एग्जाम्पल जैसे बिहार में चला जाएगा।